हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक हेयर पैक शेयर कर रही हूँ जो मैं हर 15 डेज में लगाती हूँ। ये मैं मेहंदी से बनाती हूँ, तो आप ये वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें कि मैं किस तरीके से हेयर पैक बनाती हूँ। तो ये हेयर पैक का फ़ायदा ये है कि आपको आपकी जो हेयर है इसको काफ़ी इससे स्ट्रेंथ मिलेगी और ये आपकी एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेगा और आपके हेयर भी लॉन्ग होंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैकेट लिया है मेहंदी का, तो ये आप देख सकते हैं पतंजलि का मेहंदी है। ये मैंने 100 ग्राम्स का पैकेट लिया है, तो क्योंकि अगर आपके हेयर अगर लंबे हैं तो ये 100 ग्राम्स इनफ है आपके लिए, और अगर छोटे हैं तो आप इसके कम क्वांटिटी ले लें। तो ये इस पर मैं कढ़ाई में डाल दूंगी, तो इसके लिए मैंने लोहे की कढ़ाई ली है। तो लोहे की कढ़ाई में डालने से अगर आप डाल के बनाते हैं तो इसका और फ़ायदा होता है। तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालें। तो ये मैंने एक ग्लास पानी निकाल लिया है, लेकिन मैं इसे कम डालूंगी। पहले थोड़ा आधा डाला है और इसे मिक्स करूंगी और फिर मैं इसे और डाल के मिक्स कर लूंगी। तो मैं इसका थिक पेस्ट एक बना के रेडी करूंगी। हमें थिक पेस्ट बना के रात को इसे रखना है, अगर हमें दूसरे दिन लगाना है तो आप 6 से 8 घंटे इसे भिगा के रख दें लोहे की कढ़ाई में। अगर लोहे की कढ़ाई नहीं है तो आप सिंपल किसी भी बर्तन में आप भिगा सकते हैं। तो ये मैंने इसको अच्छे से पैक को रेडी कर लिया है और मैंने इसे ढक के रख दिया है। अब ये दूसरा दिन है, आप देख सकते हैं। ये मैंने 2 एग लिए हैं। एग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको अच्छी लेंथ चाहिए हेयर के लिए तो इसमें प्रोटीन होता है जिससे आपके बाल जल्दी बढ़ते हैं। तो जिन्हें बाल ना बढ़ने का प्रॉब्लम है, जिनके शॉर्ट हेयर हैं और बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं है, तो आप इस तरीके से मेहंदी का पैक लगा के यूज़ करके देखें। तो ये मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। आपको तब तक इसको अच्छे से मिक्स करना जब तक ये अच्छे से मिल ना जाए, तो आपको ये 5 मिनट करने में लगेगा। थोड़ा आप अच्छे से मिला लें। उसके बाद मिला के आपको इसको हेयर में लगाना है और इसे 1 से 2 घंटे आपको रखना है। उसके बाद आप हेयर वॉश कर लें। तो ये मेरा पैक रेडी है लगाने के लिए। इसके बाद मैं इसे लगा लूँगी। लगाते हुए का वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है कि हिना कैसे आप अपने बालों पे लगा सकते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के एंड में मिल जाएगा, तो उसे भी आप चेक कर लें। तो ये मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।